जस्ट स्टेडियम का लाइट दिख रहा है, फ्लड लाइट्स। उसके पास में ये महात्मा गांधी जी का पार्क, महात्मा गांधी पार्क जहाँ पे अपन घुसे हैं, पर ये शायद पीछे का एरिया, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कुछ बिल्डर ज़्यादा कुछ वो सब नहीं है, सिंपल है। एक दो की दोस्त सब बैठे हैं आराम से यार, बस बैठने का चिल कर सकते हो, और क्या, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, दैट्स इट। असली में मेरा यहाँ घुसने का और एक मकसद है, ठीक है गाइस। तो फाउंटेन चुकाऊ का कि हमको इधर से घूम के आने से ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम थोड़ा शॉर्टकट देखने हैं, शॉर्टकट मिलेगा तो अच्छा था, बट नहीं, अगर गेट मिला ना, अरे भाई और क्या चाहिए, थोड़ा छोटा हो गया, शॉर्टकट हो गया। गांधी जी, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो, यही है महात्मा गांधी पार्क। अभी आ ही गए हैं तो एक क्या कहते हैं उसे, राउंड मार ही लेते हैं, देख ही लेते हैं कि नहीं। तो काफ़ी शांति एरिया है जहाँ तक आपको गांधी जी दिखेगा, ये अच्छा किया गांधी पार्क, जैसे गांधी जी हैं साथ में, छोटे छोटे बैठने का जगह। इधर तो कुछ जाने का रास्ता नहीं है ना। सो, यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, जैसा कि आप देख सक रहे हो, क्या ही व्यू आ रहा है, इधर रास्ता का भी और गांधी जी का भी। सो एक ओवरऑल व्यू आप कैसे देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली के साथ अच्छा सीनरी है। गांधी जी आपको अच्छे अच्छे गांधी जी के टेक्सचर्स और स्टेचूज दिखेंगे। नहीं है, नहीं है, तो बस दो ही गेट हैं, तो इधर का गेट नहीं है, तो अपन जा रहे हैं यही वाला गेट से निकलने को, क्योंकि वहाँ से आएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहीं से निकले जाएंगे और क्या, ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, काफ़ी शांति है, चिल कर सकते हो आप यहाँ आके, अपना टाइम दे सकते हो, मतलब पीस पीस मिलेगा, जैसे गांधी जी नॉन वायलेंस को करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पीस मिलेगा। और ये एक व्यू अच्छा आ रहा था इसलिए मैं इसे ही दिखा रहा हूँ ज़्यादातर। देखिए बैठने का काफ़ी सारा एम्पल स्पेस बैठने और घूमने का, अपना टाइम को क्या कहते हैं उसे, यहाँ में आके आप यूज़ कर सकते हो अपना माइंड को और वो कर सकते हो। बट यहाँ से यही है MG पार्क, तो यही है MG रोड, इसीलिए इसे MG रोड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी का पार्क है।